और चलिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है जो अभी तक जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंसर से वोट डाला है। सौंसर विधानसभा में उन्होंने वोट डाला है पूर्व मुख्यमंत्री, और कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना भी मिल रही है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर में वोट डाला है सौंसर विधानसभा से, और बता दें कि कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से लेकर। और ये देखिए सीधा तस्वीर है पूर्व सीएम कमलनाथ की, जहां पर उन्होंने वोट डाला है सौंसर विधानसभा में उन्होंने वोट डाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ ने सौंसर में वोट डाला है, वोटिंग की है। और बता दें कि कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिल रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सौंसर में वोट डाला है, वोटिंग की है। उन्होंने सुबह जाकर के मतदान किया है, लोगों से अपील भी की है। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी सूचना मिल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंसर में वोट डाला है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है वोट डालने की, और कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी सूचना मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर में वोट डाला है।